अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑडिटर्स। तो चलिए इस वीडियो में आज हम बहुत सारी ज्वेलरी बनाएंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पिटारे से यहाँ पे जो भी मुझे स्टोन और जो भी मुझे चाहिए ना वो मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। और बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कितने प्यारे प्यारे से स्टोन्स हैं, तो इनका मैं यूज़ करूँगी आज ज्वेलरी बनाने के लिए, और आपको मैं पूरा तरीका बताऊँगी। ऐसे तो पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको कैसे लगाऊँ, मतलब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेवी हैं, मतलब किस तरह से इनको अटैच करूँ, लेकिन अब फाइनली मुझे कुछ कुछ समझ आया है, तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ना पतला वाला ज्वेलरी के लिए जो वायर आता है वो लिया है, छोटी वाली यहाँ पे मैंने पर्ल ले लिया वाइट वाली, और इसको इसके अंदर इस तरह से डालना है, और फिर इसको आप देखिए प्रोसेस देखिए समझिए, ऐसे आपको घुसा के और फिर ऐसे खींचना है। अब इसको कैसे बोल के समझाते हैं मुझे वो नहीं पता, तो आप प्रोसेस देख के समझ जाइए, ठीक है। और इस तरह से आपको टाइट करना है, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे थिन वाला वायर लिया है गोल्डन कलर का, और इस तरह से आप देखिए प्रोसेस, जो मतलब साइड वाला पार्ट है वायर का, ठीक है, उसको ऐसे डाल के इसमें और ऐसे आपको टाइट करना है और एक नॉट की तरह लगाना है, ठीक है। फिर इसको ऐसे फोल्ड करके और आपको दो तीन बार इसको ऐसे ऐसे मोड़ देना है, ठीक है। आप प्रोसेस देखिए और समझिए, बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। और इसी तरह से मैं पूरे को करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या सोचा है कि मैं थ्री मतलब छोटे वाले मैं यहाँ पे पर्ल लगा रही हूँ, और उसके बाद मैंने सबसे बड़े वाले जो मेरे पास थे ना वो मैंने ले लिया है, और इसको भी इसी तरह से साइड वाले पार्ट को ला के, जो इसका नॉट ओपन है जिधर साइड, मतलब नॉट नहीं जिधर साइड इसका ओपन वाला पार्ट है, उसको ला के फिर ऐसे आपको राउंड राउंड करके अच्छे से बना लेना है, ठीक है। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं स्टोन को लगाऊँ कैसे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरह से लगाऊँ। फिर मैंने बहुत तरह से ट्राई किया पहले, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेरा टाइम भी उसमें लग गया क्योंकि वो बार बार खुल जा रहा था। फिर मैंने इस तरह से बनाया और इस पर मास्किंग टेप लगाया अच्छे से, और बाद में मास्किंग टेप को हटा देंगे, और फिर इस तरह से इसको फोल्ड 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 अच्छे से कर लिया, और बहुत अच्छा सा एक मतलब डिज़ाइन बना लिया फोल्ड करके। फिर इसको इस तरह से आप राउंड करके थोड़ा सा मैंने ना एस टाइप का कुछ डिज़ाइन बनाया, यहाँ पर एस नहीं बोलेंगे, मतलब इस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, तो मैंने इस तरह से कुछ बना लिया, ठीक है। तो मैंने सोचा है जो चोकर होगा उसमें मैं इस तरह के तीन स्टोन्स लगाऊंगी और इयररिंग में दो, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखिए फोल्ड करना है, प्रोसेस देखिए आपको समझ आ जाएगा। फिर इसको बैक साइड से लाते हुए फिर सेम वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे एक एक बड़ी बीट डालेंगे और बीच में एक एक स्टोन, ठीक है, और लास्ट वाले एंड वाले पार्ट पर थ्री छोटे वाले पर्ल डालेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से मैंने बना लिया इसको भी, मतलब आप टूल का यूज़ कर लो, और अगर आपको ज्वेलरी मेकिंग करना है ना तो आपको ये वाला जो प्लायर है वो लेना पड़ेगा, मतलब क्योंकि इसी से बहुत अच्छे से होता है। फिर ऐसे फोल्ड फोल्ड करिए, पहले तो मुझे ये नहीं मिल रहा था, यहाँ पे लोकल शॉप पे आप देख लो, अगर मिलता है तो ले लो, तो मुझे नहीं मिला तो फिर मैंने ऑनलाइन ही सारी चीज़ ली है। तो इसी तरह से आपको इंस्टा पे बहुत जगह पे मतलब ज्वेलरी मेकिंग की चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो इसी तरह से मैंने इसको कम्प्लीट कर लिया है, अब लास्ट में भी तीन इसी तरह से बीट डाल देंगे, और देखिए इस तरह से आपको कुछ ना नॉट लगाना है छोटी वाले पर्ल पे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएंगी, इधर उधर होंगी भी नहीं, और देखने में बहुत प्यारी लगेंगी। तो जैसे मैंने ऐसे तीन लगाया इस साइड पे, इस साइड पे भी ऐसे ही लगा लेते हैं। लगाने के बाद एंड वाले पार्ट पे अच्छे से ना एक लूप टाइप का बनाना है, तो इस तरह से फोल्ड फोल्ड करके मैंने लूप बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अटैच करेंगे अच्छे से, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काट के हटा देंगे, और इसके अच्छे से एज को आप अच्छे से फोल्ड कर दो, ताकि ये ना इधर उधर लग ना जाए, पता चला गले में नेकलेस पहना और इधर उधर वो लग गया और ज़ख्मी हो गए, ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे मैं जंप रिंग्स ऐड कर दूँगी इसी में, जो मैंने यहाँ पे लूप बनाया ना, तो दोनों साइड पे अच्छे से आपको जंप रिंग से ही पूरा बनाना है पीछे के लिए, और फिर साइड में आपको लास्ट में लॉक लगा देना है, ठीक है। तो ये रेडी हो गई है, अब चलिए इसी तरह से इसकी इयररिंग बना लेते हैं। तो मैंने सेम इसी प्रोसेस से इसमें स्टोन को अटैच किया, और फिर इसी तरह से ऐसे करके आप स्टोन को टाइट कर दीजिए, ताकि इधर उधर हो नहीं, मतलब हिले डुले नहीं, और ऐसे ही आपको फोल्ड करते जाना है। एक बस बड़ी वाली बीड मैं इसमें लगा रही हूँ, और मैं और छोटी बीड्स इसमें नहीं लगाऊंगी, बस बड़ी ही लगाऊंगी, ठीक है। और इसको भी अच्छे से लॉक कर देते हैं, और लगाने के बाद फिर इसमें पीछे में स्टड ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो गया, एक्स्ट्रा वायर को हटा देते हैं। अब इसमें पीछे में जो वो रहता है ना, जिसको कान में डालेंगे हम स्टड्स को, तो वो लगा देंगे। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे फेविफिक्स का यूज़ किया, आप कोई भी हार्ड ग्लू का यूज़ करना, ठीक है, और या तो आप फेवी बॉन्ड का यूज़ कर लो, क्योंकि ये भी कभी कभी निकल जाता है। और ये रहा इनका फाइनल लुक।
तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं कि मतलब हैंडमेड ज्वेलरी है, मतलब इतनी क्लासी ये लग रही है। आप कहीं भी इस तरह के ख़रीदने जाओगे ना, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो आपको कैसे लगे ज़रूर बताना। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट DIY पे। तो यहाँ पे मैंने मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर मैंने इसी तरह के दूसरे शेप के यहाँ पे स्टोन ले लिया और ये जो बीड्स आती है ना, इनसे भी हम बनाएंगे बहुत प्यारी सी इयररिंग। अब मोल्डेड क्ले का ही यूज़ करेंगे इन दोनों को अटैच करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टड ले लिया, इसको शायद स्टडी बोलते हैं जो पीछे लगाते हैं, ठीक है। और इसको अच्छे से यहाँ पे फिक्स करना है। मोल्डेड क्ले इसलिए मैंने यूज़ किया ना क्योंकि बहुत अच्छे से मतलब हार्ड होके एकदम फिक्स हो जाएगी, और जो स्टोन है थोड़ा सा भारी होता है ये वाला, तो आपको थोड़ा बड़े वाले स्टॉपर लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसको अच्छे से आप पानी के हेल्प से स्मूथ कर दीजिए। ये अच्छे से ड्राई हो गया था, कुछ ही देर में ड्राई हो जाता है। अब इस पर अच्छे से ना लाइट ब्लू का शेड में करी हूँ जिसका लगा स्टोन है, और ये हो गया इसका फाइनल लुक। बहुत ईजी रेडी हो गई और बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट नेकलेस की तरफ जो कि बहुत प्यारा होने वाला है। तो इसी तरह से मैंने ये बीड्स ले लिए हैं, आपको इस कलर के नहीं मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनते हैं, ठीक है। इस तरह के जो स्टोन या पेबल आप जो भी बोल लो, आपको ना जहाँ पे फिश मिलती है और उसकी सारी चीज़ पालने वाले मतलब उसको सजावट की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर भी ये मिल जाएंगे। नहीं तो आपको किसी भी क्राफ्ट सप्लाईज मतलब आप कहीं से भी ले सकते हो, आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाते हैं। इस तरह से मैंने उनको पेंट कर लिया है अलग अलग तरह से, बहुत सारे स्टोन। अब चलिए इन सबको असेंबल करते हैं अच्छे से। बहुत ईजी और बहुत प्रिटी ये बन के रेडी होते हैं, मतलब बिल्कुल नहीं लगेंगे। आप आगे प्रोसेस देखो, बहुत इजी प्रोसेस भी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कोई भी बना सकता है। इसी तरह से मोल्डेड क्ले लिया है, अब अच्छे से इन सबको मतलब आप असेंबल कर लो। आपको आप कोई भी कलर बना सकते हो, मैंने यहाँ पे मल्टी कलर ले लिया है ताकि आप किसी भी मतलब सूट पे कैरी कर सको इसको, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको मोल्डेड क्ले से इसको फिक्स कर देंगे और आप टेंशन मत लो। इसको अच्छे से आप पानी लगा के पूरे पे जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने कलर किया है ना उसको छुपा दो ताकि कहीं से भी कलर निकलने का कोई चांस ना बने इसका। और इसी तरह से मैंने कर लिया है, चलिए। और साइड में थोड़ा सा आप क्ले छोड़ दो और इसमें ना एक एक होल कर दो इस तरह से, ताकि आगे जंप रिंग वगैरह ऐड करके इसको यूज़ करें, ठीक है। इसी तरह से मैंने इसके स्टड भी बना लिए हैं, अच्छे से मोल्डेड क्ले लगाइए। एक एक मैंने यहाँ पे स्टोन रखा है, बहुत ज़्यादा इसको हेवी नहीं किया। तो आपको कभी मन करे तो आप दोनों साथ में भी कैरी कर सकते हो और अलग अलग भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब मोल्डेड क्ले लिया है, अच्छे से डिटेलिंग ऐड करेंगे। तो इस तरह से मैंने ना इसको रोल रोल करके थोड़ा सा लंबा लंबा मतलब रोप की तरह बना लिया, और इसी तरह से आप इस पर पूरे पे लगाती जाओ, ठीक है। तो डबल डबल लेयर करके किया है मैंने, थोड़ा सा इसको एंटीक टच मुझे देना है क्योंकि मैंने अभी तक की DIY डेकोर में ही एंटीक टच दिया था। मैंने सोचा ज्वेलरी में कुछ तो एंटीक टच देना बनता है, तो मैंने इस तरह से ना क्ले से ही कर दिया, ठीक है। और ये ना बहुत प्रिटी बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये बनाए हुए हैं। और मतलब मुझे तो पहले तो प्रोसेस कर रही थी मैं जब, तो मुझे लग रहा था कैसा बनेगा क्या बनेगा, लेकिन बनते बनते ठीक ही होते जा रहा है अभी तक। तो इसी तरह से आप थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग ऐड कर दीजिए इसमें। तो मैंने कुछ भी आप मतलब पेन की निब ले सकते हो या फिर कुछ भी ले सकते हो, क्ले टूल का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, आप नाइफ से बना सकते हो। आप कभी भी ना किसी चीज़ की वजह से अपने क्राफ्ट को मत छोड़ो, कुछ ना कुछ आपके पास अल्टरनेटिव रहते ही हैं, तो आप उसका यूज़ कर लो। इनके ऊपर वाली इयररिंग्स को भी मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी, गोल गोल से थोड़े से लगा दिया मैंने यहाँ पे मोल्डेड क्ले। एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देना है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ना हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास जो जो चीज़ें थी उनको ही मिक्स एंड मैच करके मैंने पेंट वेंट करने का सोचा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ब्लैक ही करती हूँ इसको। तो फिर ना मैंने इसको साइड वाले पार्ट को ब्लैक कर दिया, और करने के बाद अच्छे से पहले कम्प्लीटली ब्लैक करना है। आप ध्यान दीजिए स्टोन पे पेंट ना आए, अगर स्टोन पे आ भी जाता है तो जिससे नेल पॉलिश रिमूव करते हैं आप उसको थोड़ा सा कपड़े में या फिर जो नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए आजकल छोटे छोटे टिश्यू भी आते हैं उससे आप रिमूव कर दो, बहुत ईजिली हट जाएगा। नहीं तो आप किसी कपड़े में पानी लगा के भी इसको हटा सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने इयररिंग के भी साइड को पेंट कर दिया है और मतलब नेकलेस के भी साइड को। अब यहाँ पे मैंने फ्लैश का मेटालिक पेंट लिया है, एंटीक गोल्ड में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इससे हल्का हल्का मुझे ना लगा देना है इस पर पेंट, और देखो कि कितना रॉयल इसका लुक आ रहा है ना। मतलब ये पेंट लगाते ही बहुत प्यारा और बहुत क्लासी लुक आ रहा था। मुझे इस तरह के स्टोन की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने अचानक से सोचा कि क्यों ना इसके पीछे कलर कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरा जो स्टोन था ना वो लाइट ब्लू ट्रांसपेरेंट टाइप का था। तो मैंने सोचा इसलिए ऐसे तो आपको ट्रांसपेरेंट भी मिल जाएंगे,
तो आपको अगर ट्रांसपेरेंट मिलते तो वो उस पर ज़्यादा अच्छा कलर आपको दिखेगा, लेकिन मेरे पास ब्लू था तो मैंने इसका ही यूज़ कर लिया। अब चलिए जंप रिंग लगा लेते हैं। इसमें साइड वाले में जो हम लोगों ने होल करके छोड़ा था वहाँ से जंप रिंग इसी तरह से आपको अटैच करते जाना है। आप अपने नेक के साइज़ के हिसाब से इसको लगा लो, जितना भी आपको बड़ा छोटा चाहिए। साइड में लॉक लगा दिया और ये रेडी हो गया। और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है, मतलब अभी तक की, और मैंने अभी तक की जिसको जिसको दिखाया ना सबको यही बहुत प्यारा लग रहा है, और कोई तो यकीन भी नहीं कर रहा है कि ये घर का बना हुआ है। तो आप भी उसको बहुत सिंपल और बहुत अलग अलग तरह से भी आप बना सकते हो और बहुत ईजी। अब चलिए अपने लास्ट DIY की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर यही वाले स्टोन्स ले लिए हैं, ठीक है। इनको इसी तरह से मैंने लिया और इनके भी बैक साइड पर पेंट कर लिया, ठीक है। बहुत प्यारा सा मैंने यहाँ पर पेंट किया है इसको, कुछ पिंक ही शेड में किया है। और थोड़ा सा आपको एक, मतलब आपको जितना लाइट चाहिए उससे एक टोन ऊपर पेंट करना पड़ता है। और यहाँ पे बहुत प्यारे से मेरे पास रेनबो स्टोन है, बहुत प्रीटी लगेंगे ये। तो इसी तरह से मैंने मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है इनको भी अटैच करने के लिए। और ये देखिए कितना क्लासी ये लुक आ रहा है ना। तो मैंने पहले एक दो शेड करके देखा कि कौन सा पिंक इसके साथ जाएगा, और मैंने सोचा कॉन्ट्रास्ट में भी लेते हैं। तो मैंने इधर उधर करके स्टोन चेक किया, लेकिन ना वो सारे अच्छे नहीं लग रहे थे, पिंक ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने पिंक को ही रखा। अब इसको अच्छे से आपको दोनों को फिक्स कर देना है, और पानी की हेल्प से आप इसको स्मूथ कर लीजिए, ठीक है। और अभी इतने में नहीं हो जाएगा, बहुत सारी डिटेलिंग भी ऐड करेंगे। तो इसके साइड पे कुछ इसी तरह से मैंने रोप का यूज़ किया, मतलब मोल्डेड क्ले की रोप, आप नॉर्मल रोप मत ले लेना। तो इस तरह से पूरे पे मैं इसको साइड साइड के मतलब एरिया को कवर करी हूँ, और डिटेलिंग इसमें ऐड करूँगी। कुछ इस तरह से मैं ना पूरे पे बनाती जाऊँगी डिज़ाइन। तो बहुत प्यारा ये ना पेंट होने के बाद बिल्कुल लग रहे हैं कि मेटल के हैं, मतलब साइड वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल मेटल का लग रहा है, और बिल्कुल कहीं से भी ये सारे नेकलेस ना नहीं लग रहे हैं, या फिर सारी जो ज्वेलरी हम लोगों ने बनाई नहीं लग रहे हैं कि ये बनाई हुई, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से साइड में पेंट कर देंगे ब्लैक। अच्छा आप ना इसको, मैंने जब ब्लैक पेंट किया ना, तो आप इसको ऐसा ब्लैक भी रख सकते हैं अगर आप चाहे तो, नहीं तो आप वाइट का भी बॉर्डर दे सकते हैं। मुझे ना ब्लैक थोड़ा एंटीक दिखाना था कि ये ना मतलब मेटल पे बने हुए, तो इसी तरह से आप एंटीक को पेंट कर सकते हो। ऐसे ये ब्लैक भी क्लासी लग रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने ना गोल्डन का यूज़ किया। और ये रहा इनका फाइनल लुक, और ये बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहे हैं, मतलब बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मतलब ना कि इसको इस तरह से बनाया गया है, मतलब बहुत प्रीटी लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही था, बाकी वो लाइक शेयर फॉलो कमेंट सब्सक्राइब उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, वो आपको जैसा ठीक लगे करके जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।